Well, let's cut across live now to Ratan Negi, who's joining us from Joshimath, I believe. Ratan, give us a sense of the rescue operations. Ratan, kya aap hume bata sakte hain ki rescue operations kahan tak pahunche hain? Ek tunnel hai jahan pe ITBP ke jawan koshish kar rahe hain ki wo andar ja ke jitne bhi log ho sake unko bacha sake. निश्चित तौर से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है. जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये लगातार जारी है और ऐसा अलग टनल के माध्यम से यहाँ पर अब रास्ता खोला जा रहा है क्योंकि टनल का मुंह नहीं खोला गया है. एडीजी मनोज रावत जी इस वक्त रिपब्लिक भारत से मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर लाइव है और आपसे ही जानते सर जो एक्स्ट्रा टनल अगर बनाई जा रही है क्योंकि वो जो पहली ट्रस्ट का मुंह नहीं खोला जा रहा है, क्या कुछ जानकारी सर आपके माध्यम से? देखिए, अभी दो तरीके से मेरे हिसाब से जो मेरे को संज्ञान में है मेरे पास, एक तो ऑल्टरनेट जो टनल है, जो टनल है अगर हम उसे खोल पाते हैं तो हमारी दो तरीके से एंट्री हो जाएगी. और दूसरा यह है कि अभी हमारे पास जो बड़ा चैलेंज है कि उनको ऑक्सीजन कैसे पहुंचाएंगे. तो इट इज़ आल्सो बीइंग प्लान्ड कि वर्टिकली कोई ऐसा हम ड्रिल करें और कुछ जगह बनाएं ताकि कोई ऑक्सीजन को हम पास ऑन कर सकें. तो ये एक प्रयास चल रहा है. ऑक्सीजन पहुंचाने का प्रयास कर रहा है जो लोग टनल में हैं और लगातार अगर सर से जानने की कोशिश करें सर, थोड़ा सा सूरज इधर को पड़ रहा, थोड़ा सा इधर हो जाएंगे सर, किस तरह का और तेजी से अभियान चल रहा है सर? अभी चल रहा है, अभी 100 मीटर से ऊपर हम जा पाए, स्लश आ रहा है, बहुत जा रहे, लगातार चल रहा है. ये आपके एक्सकेवेटर्स हैं, दो दो एक्सकेवेटर चला रहे हैं साथ साथ, तो वो आ रहा है जितना और ऊपर से फिर बढ़ जा रहा है, जो अंदर बहुत ज़्यादा चला गया. तो आई एम श्योर कि आज शाम तक हम लोग विल एबल टू रीच द पॉइंट. रावत जो है डीजी आईडीपी की, वो बता रहे कि आज शाम तक कुछ चीजें तस्वीर निकल कर सामने आएंगी. इसके साथ वो ये भी कह रहे कि जो अभी तक अगर बात की जाए तो 29 शव यहाँ पर प्राप्त किए जा चुके हैं, लगता है मिसिंग अगर टोटल अगर बात की जाए तो 206 लोग जो है लापता थे, इसमें से अगर बात की जाए तो लगातार जो शवों की जो संख्या है वो अब इस वक्त जो अपडेट जानकारी है वो 29 हो चुकी है. और अगर बात की जाए कुछ एनडीआरएफ के जो जवान है वो गाजियाबाद से यहाँ पर आए और रेस्क्यू अभियान के ये कुछ इक्विपमेंट्स उनके पास है और कोशिश की जा रही है कि अगर कुछ लोग वहां पर जो लोग हैं भी उन तक सांस या ऑक्सीजन कैसे पहुंचाया जाए उस पर भी टनल के अंदर कार्य लगातार किया जा रहा है. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आपदा का क्षेत्र दौरा करने के बाद जोशीमठ एयरपोर्ट आर्मी के हेलीपैड यहां से देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं. Right, Ratan, of course, is telling us that about 29 bodies have been so far found. A multi-agency rescue operation is currently on. Ratan, officials over there are extremely hopeful, but by this evening, perhaps, there will be more rescue work and the debris in the tunnel will perhaps be able to be lifted. देखिए, जो तौर प्रशासन के उनका साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि जो टनल का है वहाँ पे जो गाद है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, वो लगातार आ रही है. लगातार जो अगर हम बात करें रविवार से लेके जो रेस्क्यू अभियान यहाँ पर जारी चल रहा है अभी भी चल रहा है, तो उसका मकसद ही था कि जो जो जो, जो गाद उसके अंदर भरी है उसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए, उसको जल्द से जल्द निकाला जाए. लेकिन अशोक कुमार जो डीजीपी उत्तराखंड के हैं उन्होंने भी साफ पुलिस महादेश उन्होंने भी कहा कि ये हो नहीं पा रहा, इसलिए अतिरिक्त टनल यानी 500 मीटर अतिरिक्त रास्ता यहाँ से बनाया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ जो चीजें हैं वो तस्वीरें यहाँ पर निकल कर सामने आएंगी. क्योंकि जो हालात है अब वो निश्चित तौर से क्योंकि समय लगातार देखिए निकलता जा रहा है. रविवार को ये हादसा सुबह 10 बजे के करीब हुआ था और जिस तरीके से अगर बात की जाए रविवार को पूरे दिन भर रेस्क्यू चला, रात को भी चला, सोमवार का दिन भी निकल गया और आज मंगलवार है. तो इस तरीके से देखिए जो लोग वहां पर अंदर है उनको कैसे ऑक्सीजन पहुंचाया जाए इस पर यहां पर काम किया जा रहा है. इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जहां पर ये आपदा है उस क्षेत्र में जो टीमें हैं वो लगातार हेलीकॉप्टर के माध्यम से निगरानी यहां पर कर रही है, इसका भी जायजा लिया जा रहा है कि आखिर इस आपदा के आने के पीछे कारण क्या थे. इसके लिए भी जो टीम है वो लगातार सर्वे यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है.